Assalamualaikum, welcome back to my channel. आज ना आपको मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बताने वाली हूँ जो मैंने TikTok पे बहुत ज़्यादा देखा था, ये वायरल वीडियो. तो TikTok पे देखने के बाद ही ये प्रोडक्ट को मैंने खरीदा है कि ताकि मैं देख सकूँ कि इसे वाकई में बाल स्ट्रेट होता है या नहीं. तो वही प्रोडक्ट मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ. अगर जिनको भी अपने बाल स्ट्रेट करना बहुत पसंद है और जिनको भी ऐसा लगता है कि स्ट्रेट करना बहुत ज़्यादा टेंशन का काम है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है जो आप अपने बालों को बहुत ही आसानी से कॉम की हेल्प से आपके बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं. वैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपने बाल को स्ट्रेट किया है और मुझे स्ट्रेट हेयर बहुत ज़्यादा पसंद है. मुझे वेवी हेयर बिल्कुल भी नहीं पसंद है. अगर आपको भी स्ट्रेट हेयर मेरी तरह ही पसंद है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ. तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपने बालों को बहुत ही ईजीली और आसानी से अपने बाल को स्ट्रेट किया है. जैसे कि हम कभी भी बाहर जाते हैं तो हमारा एक ही टेंशन होता है, जिनको भी बाल स्ट्रेट पसंद है तो वो सबसे पहले अपने बालों को स्ट्रेट करते हैं, उसके बाद ही रेडी होते हैं. जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हमें अपने बालों को स्ट्रेट करने में. और अगर शॉर्ट हेयर है तो वो जल्दी जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर लॉन्ग हेयर है तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. तो जो मैं प्रोडक्ट बताने जा रही हूँ वो कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है, नॉर्मली ही प्रोडक्ट है. इसका कोई भी ऐसा नाम नहीं है, मतलब ये ब्रांडेड नहीं है, तो ये लोकल है. तो मैंने इसे अमेज़ॉन से ख़रीदा है. मैंने ख़रीदा है 450 रुपीज़ में. और ये कॉम कुछ इस तरह से दिखता है, आप देख सकते हैं. तो इसे आपने यहाँ से ऑन करना है और इसे माइनस प्लस कर सकते हैं. और ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है कि जब भी आप ये प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हो तो ये रिटर्न नहीं होता है. ये आप अपने ओन रिस्क में ले सकते हैं. तो ये ऐसा प्रोडक्ट है, चले तो चांद तक वरना शाम तक. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है. ये मैं आपको बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है. इसको मैंने गर्म करने रख दिया था, 2 से 3 मिनट हो गया, लेकिन ये गर्म हुआ नहीं है क्योंकि मैं इसे पहली टाइम इस्तेमाल कर रही हूँ, तो थोड़ा इसे जाने में टाइम लग रहा है. तो जब तक मैं अपने बालों में सिरम लगा लेती हूँ जब तक ये गर्म होता है. तो आप जब भी कोई हीट वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो आप सिरम अपने बालों पे ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये आपके हीट को प्रोटेक्ट करता है सिरम, और आपके बालों को ज़्यादा डैमेज नहीं करता है. तो अपने बालों को अच्छे से सिरम जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो लगा लीजिए, उसके बाद ही कोई भी हेयर ड्रायर या हेयर स्ट्रेटनर का इस्तेमाल कीजिए. तो अभी मैं अपने बालों को 2 सेक्शन में कर ली हूँ और मशीन भी गर्म हो चुका है. उससे गर्म होने में 5 मिनट लगता है, 5 मिनट के बाद ही बहुत ही अच्छे से ये गर्म हो जाता है. देखते हैं कि ये किस तरह से बालों को स्ट्रेट करता है. जो मैंने वीडियो पे देखा था ये बाल को बहुत अच्छे से स्ट्रेट करता है, तो वो उसी तरह करता है या नहीं अभी देख लेते हैं. तो 5 से 6 बार तो हो चुका है, इसको 5-6 बार कॉम करने के बाद ही ये मेरे बालों को स्ट्रेट किया है और बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है. तो आप देख सकते हैं, तो मतलब 4 से 5 बार आप कॉम करेंगे तो बस कॉम करना है, आपका बाल स्ट्रेट हो जाएगा. तो बहुत ही इजीली ये आपके बालों को स्ट्रेट कर रहा है और ये है ना एकदम नेचुरल तरीके से मेरे बाल को स्ट्रेट कर रहा है. मुझे जो पोकी स्ट्रेट वाला हेयर होता है ना एकदम स्ट्रेट, तो वो इतना अच्छा नहीं लगता है. ये जो कर रहा है बालों को स्ट्रेट वो नेचुरल तरीके से कर रहा है और बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है. तो काफ़ी अच्छा है ये प्रोडक्ट. और इसका एक बहुत ही अच्छा है कि जब आप अपने बालों को स्ट्रेट करते हो तो ये आपके फोरहेड या आपके कान के पीछे कोई भी स्किन में आपको ये आपके स्किन को जलाएगा नहीं. हम दूसरे कोई हेयर स्ट्रेटनर वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना तो वो जलने का बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहता है कि स्किन जल नहीं जाए. स्पेशली जब भी हम सामने के जो हेयर को स्ट्रेट करते हैं ना तो वो आपके स्किन को थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं जला देता है. अगर आप बिगनर हैं तो आप के साथ ये हादसा हो चुका होगा कि जब भी आप बालों को स्ट्रेट करते हैं तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं जल जाता है. तो ये जो कॉम है ना ये आप बेफिक्र होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. और एक चीज़ इसमें मुझे पता चला है कि ये जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाता है. ऑफ़ तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है लेकिन हमें इसे फिर से ऑन करना होता है.
तो आप इस तरह से अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप डरिएगा मत कि ये गर्म नहीं हो रहा है, ये अपने आप ही ऑफ हो जाता है। और ये कुछ ज़्यादा ही गर्म हो जाता है तो आप अपने हाथ पे कोई ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जब ये आप इस्तेमाल करेंगे। है कि ये कितनी अच्छी से ये बाल को स्ट्रेट करता है, और सबसे अच्छी बात तो इसका ये है कि बहुत ही लाइट वेट है, और ये आपके हाथों को मतलब आपके फोरहेड को, जैसे कि मैंने बताया है कि आप जब इसका इस्तेमाल करते हो तो आप इसे टच करेंगे तो ये आपके स्किन को बिल्कुल भी नहीं चलाएगा, और बहुत ही लाइट वेट है, ज़्यादा मतलब हैवी नहीं है देखा। लेकिन ये बॉयज़ के हेयर में ना काम नहीं आता है, क्योंकि इसे ना हमें ऐसा लेकर इस तरह से ही कोम करना है। अगर आप इसे डायरेक्ट करोगे ना, ऐसे 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 करोगे ना, तो ये आपके बालों के अंदर नहीं जाएगा। तो आपको इसको क्या करना है, ऐसा लेकर ही अपने बालों को फुल स्ट्रेट करना है। तो ये बहुत ही जल्दी जल्दी आपके बालों को ना स्ट्रेट कर देता है। मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत ही पसंद आया है। जो भी लोग अपने बालों को जल्दी जल्दी से, अगर जो भी लोग ऑफिस जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, काम धाम नहीं करना पड़ेगा इसको लेकर, बस अपने ऑन किया और फटाफट अपने बालों को स्ट्रेट किया, बस आप रेडी होके जल्दी जल्दी जा सकते हैं। तो आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।